हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोड इत्यादि के नामों से जानते हैं। आज दो रोगी का हम चर्चा करेंगे और दोनों रोगी इतना कष्ट में थे कि आज के युग में उसको इलाज करना लगभग असंभव हो गया था। तमाम तरह के पैसा खर्च करने के बाद में एक मरीज तो 15 लाख रुपया भी खर्च करके ठीक नहीं कर पाया था। मैट्रिक में पढ़ने वाले विद्यार्थी की हम चर्चा करते हैं, उसका नाम है धनंजय। वो उसका इतना ज़्यादा इस बीमारी की वजह से इतना ज़्यादा दर्द था कि दर्द के मारे रात को बाप दादा करता था, आप सोच सकते थे। और वही नहीं, पूरे घर के लोग इकट्ठा हो जाते थे उसका दर्द बांटने के लिए, लेकिन किसी का कुछ भी कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करता था। एमडीटी दवा जो सरकारी अस्पताल में फ्री में मिलता था, इसका भी प्रयोग कर लिया था। और इसके तो ये तो फ्री में मिलता था, ये फ्री में मिलता है सरकारी अस्पताल में, उसके बाद भी 15 लाख रुपया खर्च करने के बाद में भी ठीक नहीं हो रहा था और दर्द के मारे बाप दादा कर रहा था। उसके बाद में हमारे पास वो मरीज आया, अभी बिल्कुल ठीक है, किसी भी तरह का कोई पीड़ा, कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं है और आजकल सामान्य रूप से अपने पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर रहा है। अभी उसकी तो दवा चल रही है और रोग मुक्त होने वाले रोगियों का भी हमने जिक्र हम आप करते रहते हैं। हम सुखेंद्रा जी का दवा बंद हो गया है, बहुत सारे मरीजों का दवा बंद कर दिया गया है ठीक होने के बाद में, और कई लोग बिना पूछे दवा बंद कर देते हैं ठीक होने के बाद में। ऐसा गलती कभी न करें। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है, जब तक सुनापन रहेगा तब तक ठीक होगा। तो ये तो आपको बताया हमने, दर्द इतना ज़्यादा खतरनाक होता है और कई लोग तो इसको अमृत समझते हैं। जब एक साल में इस दवा से ठीक नहीं होता एमडीटी से, तो दो साल में ठीक नहीं होता तो 3 साल, और 3 साल में ठीक नहीं होता 4 साल खाते हैं। 1 साल से ज़्यादा यदि आप लेने लगेंगे एमडीटी, तो हो सकता है कि आप भी बाप दादा करने लगे दर्द के मारे, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट होता है। तो आपका शरीर में तो सूजन आएगा ही, दर्द भयंकर होने लगेगा और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे उंगली का टेढ़ा होना, चकते निकलना और जॉन्डिस पीलिया हो जाना, उल्टी जैसा मन, चक्कर होना, दवा का रिएक्शन होना और आँख का रोशनी तो कम करेगा ही, जॉन्डिस आपका होने लगता है, आँख पीला होने लगता है। तो इसको दवा को बंद करनी पड़ती है, फिर जब जॉन्डिस ठीक हो जाता है तब फिर दवा लोग चालू करते हैं। इस तरह से तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे, ये कह सकते हैं कि एमडीटी से वो संतुष्ट है, एमडीटी से फायदा है उनको। तो जिस रोगी को एमडीटी से फायदा है, ठीक है, उस संतुष्ट है दवा से, तो हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो मरीज एमडीटी से ठीक नहीं हुए हैं, दवा छोड़ने के बाद पुनः बीमारी आने लगता है या साइड इफेक्ट की वजह से इस दवा को खाना नहीं चाहते हैं, लेना नहीं चाहते हैं, उसके विकल्प के रूप में हम लाते रहते हैं। तो यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और भयानक दर्द है, दर्द इतना कि पूरे घर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो अब उसकी तो चर्चा है कर दिए। अभी हाल ही में अनीता देवी जी ठीक हुई हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कष्ट में थी। उनका कष्ट यानी कि खड़ा होने के बाद वो गिर जाती थी, बाथरूम पैखाना भी वो जा नहीं पाती थी, सामान्य काम कुछ भी नहीं कर पाती थी, खाना में ऐसा हो गया था
कि एक रोटी से भी अब कम ले पाती थी और मुंह में अल्सर, निनाव, घाव जो भी कहिए, माउथ अल्सर हो चुका था। और पैखाना, अपने पैखाना में बाथरूम में जाने के समय बीच में ही गिर जाती थी। आज सभी कुछ ठीक है, उनका सारा सिचुएशन ठीक होगा बहुत ज़्यादा। ये एक बात है, लेप्रोसी कुष्ठों में खुजली नहीं होता है किसी को भी खुजली नहीं होता है, लेकिन अनीता देवी जी को खुजली था, तो खुजली भी ठीक हुआ और जो भी दिक्कत था सबके सब ठीक हुआ है। कभी हम इन सभी रोगियों का विस्तृत जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से लाएंगे। आप सभी को मालूम है कि कोई भी रोगी, कुष्ठ रोगी जो है, अपना वीडियो शेयर नहीं करते हैं, अपना फोटो शेयर नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो आपको हमको चैनल पर लगाने का परमिशन नहीं देते हैं। पहले ही शर्त होता है कि मेरा जानकारी गुप्त रखेंगे। तो जो आप सभी को मालूम है कि किसी का हम आपको जानकारी हम नहीं देते हैं, फोटो को काट करके लगाए, कटिंग करके, एड्रेस भी नहीं बताया जाता है। जानकारी के लिए, थोड़ा बहुत ज्ञान नॉलेज के लिए आपको चेहरे का थोड़ा सा जो बीमारी है पार्ट वही दिखाया जाता है, चेहरे को ढक दिया जाता है। यदि आपको यदि कोई मिले कि पूरा अपना संपूर्ण बता सके, चैनल पर आ सके, तो आ सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई रोगी मिला ही नहीं, तो इसलिए हम लाइव में नहीं लाते हैं। लेकिन अनीता देवी जी बहुत ही कष्ट में थी, बहुत ज़्यादा कष्ट में, और वो उनका आज कॉल आया कि आज हम डॉक्टर से हैं, बिल्कुल ठीक है, बहुत ठीक है, अब तो रोटी वोटी हम सब चीज़ बना लेते हैं, सब्जी काट लेते हैं, अब सामान अपना हम काम कर रहे हैं, और जो विद्यार्थी है वो भी बिल्कुल अच्छा है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका यौन क्षमता पूरी तरह से प्रभावित होता है। इसमें आपका यौन क्षमता बिल्कुल ही आपका कमजोर पड़ जाता है इस बीमारी कारण, और मेमोरी, स्मरण शक्ति भी इसमें कमजोर पड़ जाता है। इस बीमारी के कारण आपको बहुत तरह का परेशानी आपको होता है। इसमें इस बीमारी का सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि बीमारी का आपको पहचान कैसे करें, क्या क्या इसमें देखनी चाहिए। ये आपका स्किन हो गया, जहाँ पर सुन्नपन शुरू हो जाएगा, चमड़ा सुन्न हो जाएगा, वहाँ का केश झड़ जाएगा, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। कुष्ठ रोग का ऐसे तो जांच होता है, स्किन स्मियर टेस्ट होता है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग का जांच होता है स्किन स्मियर टेस्ट, एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी जांच होता है सरकारी अस्पताल में। लेकिन आपको घर बैठे यदि जानकारी करनी हो तो आप कैसे समझेंगे कि आपको कुष्ठ रोग है? तो कहीं का भी चमड़ा ले लीजिए शरीर में, जहाँ का कलर बदलने लगे, चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, वहाँ पर कलम, पीन, अल्पीन या चिट्टी काटने से आपको बिल्कुल समझ में न आए, इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। कई बार डॉक्टर होते हैं कि बिना स्किन स्मियर टेस्ट, बिना एलिसा फॉर लेप्रोसी जांच किए भी आपको दवा चला देते हैं, क्योंकि कन्फर्म देख लेते हैं कि चमड़ा आपको आपका सुन है। कहीं पर भी जाइएगा तो सुनपन के आधार पर ही आपको दवा चलेगा, कहीं भी जाइएगा तो सुनपन के आधार पर ही दवा आपको चलेगा। तो कुष्ठ रोग में सुनपन हो, सुन होना चमड़ा का बहुत जरूरी है। जहाँ चमड़ा सुन हो गया है, वहाँ उस चमड़े को जला भी दीजिएगा तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे मुर्दे को जला देते हैं तो मुर्दा को कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक उसी तरह से चमड़ा को जला देने के बाद भी क्या होगा, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, यही कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग में आपका हाथ पांव का उंगली जो है धीरे धीरे क्या होता है, टेढ़ा होने लगेगा, हाथ पांव का उंगली पतला होने लगता है। कई लोग इसको ऑपरेशन कराते हैं सीधा कराने के लिए, पर इसे कोई आपको फायदा नहीं होता है। दवा चलेगा तो आपका जैसे आपका पहले था आपका बेटर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसमें बहुत सारे लोगों का
ये नाखून धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। क्या होगा, बहुत सारे लोगों का ये नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगता है, काला काला होने लगेगा और ये नाखून धीरे धीरे खराब होने लगेगा। और जब चलेंगे आप तो क्या होगा, पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। एड़ी का फटना इस बीमारी में देखा गया है, एड़ी फटता है इस बीमारी में। एड़ी यदि फट रहा है आपको, वहां का चमड़ा सुन्न है, तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। यदि चेहरे के हिस्से में यदि कुष्ठ रोग आपको आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक के हड्डी को गला सकता है, कान का चमड़ा मोटा कर सकता है, और आंख की रोशनी को धीरे धीरे कम कर देता है, और केस भी आपको धीरे धीरे झड़ने लगता है। और कई मरीज, इतना सारा वीडियो हम बनाते हैं, इतना सारा वीडियो मेरा है, और आएंगे और पूछते हैं कि सर आपके पास इसका मरीज आता है। हमको तो जानकर बड़ी आश्चर्य लगता है, इतना दिन से वीडियो बन रहा है, बिना मरीज आए ही चैनल चल रहा है, बिना मरीज को देखे ही चलता है, ऐसे कैसे हमको अनुभव हो जाएगा। ये तो हमारा पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनक देव सिंह जी, वो भी एपिलेप्सी का इलाज करते थे, अब हम करते हैं। रोगी बहुत इसके आते हैं, बहुत सारा मरीज हमारे पास आते हैं, और कई लोग को अभी लगता ही नहीं है कि मरीज जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे। अब आइए हम प्रमाण देते हैं कि लोग कैसे कैसे तस्वीर भेजते हैं। यौन क्षमता हमेशा आपको इसमें कमजोर पड़ते जाता है यौन क्षमता। आज का ये फोटो भेजा हुआ है, आप देख लीजिए, ये गाल पर आपका, ये देखिए आपका त्वचा कैसे मोटा हो जाता है ये, और ये भयानक चेहरे को कर देता है, चमड़ा को मोटा करेगा, ये कान मोटा कर देगा। तो इस तरह से आपको बहुत सारे रोगी जो है संपर्क करते रहते हैं अपने बीमारी के बारे में। तो और इसमें संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है, आप देख सकते हैं। इसमें मरीज तो जितना दिखाते हैं तो इसकी संख्या ठीक ठाक है, बहुत सारे मरीज आते हैं, तभी तो हमको अनुभव है। कोई भी बात हम पूरे सच्चाई के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ बताते हैं, ताकि मरीज को भ्रम का स्थिति न पैदा हो। भला वो भी कुष्ठ रोगी से कौन झूठ बोलेगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कुष्ठ रोगियों का सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर है, और कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही चैनल हमारा चल रहा है। और हम वीडियो नहीं बनाते थे पहले, जब हम एक दो वीडियो हमने बनाया तो काफी लेप्रोसी के मरीजों को पसंद आया, और काफी सब्सक्राइब होने लगे, काफी फोन आने लगा। उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा कुछ दिन के बाद और एक आध वीडियो हमने डाला, फिर सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, और हर यूट्यूबर को सब्सक्राइबर चाहिए तो अभी भी चलेगा। आज 11,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये नाटक रंगमंच नहीं है, कोई मनोरंजन का तो चैनल है नहीं, 11,000 वो भी रूरल एरिया से चैनल आप देखते हैं। इतना ज्यादा संख्या होते जा रहा है, जब तक सच्चाई नहीं होगा तब तक कैसे इतनी संख्या में सब्सक्राइबर होंगे। तो कोई भी बात हम ईमानदारी के साथ बताते हैं, और लेप्रोसी के मरीज से क्या कोई झूठ बोल सकता है, नहीं, लेप्रोसी के मरीज से कोई झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि इन लोगों का ये भगवान की सेवा करने के बराबर कहा गया है। लेप्रोसी के मरीज से कोई झूठ बोलने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये बीमारी जब आगे बढ़ेगा तो पूरे शरीर में आपको इसमें एलर्जी भी देखने को मिलता है, दाने, और बुखार भी आता है। यदि बुखार को समय रहते यदि ठीक नहीं किया गया तो ये खतरनाक हो सकता है और जान भी ले सकता है, का दुश्मन भी हो जाएगा। इस बीमारी में ये गाल का त्वचा तो मोटा होता ही है, साथ में गर्दन की ये जो नस है ये भी मोटा होते देखा गया है। बहुत लोगों को गिल्टी होते देखा गया है,
किडनी में स्टोन भी साथ में हो जाता है और खाना का नहीं पचने का भी इसमें समस्या आती है। खाना नहीं पचना, स्वप्न दोष, नाइट फॉल की समस्या होती है। इन सभी तरह के बीमारियों को एक बार में ठीक किया जा सकता है। इस बीमारी के कारण आपको बहुत ज्यादा कमजोरी, थकान लगेगा और जवानी में ही बूढ़े जैसा आप लगने लगेंगे और काफी थके थके रहते हैं। इस मरीज को, लेप्रोसी के मरीज को धूप में नहीं निकलनी चाहिए, आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए, इससे आपका इन्फेक्शन बढ़ सकता है, शरीर में फफोले आ सकते हैं। इसमें जगह जगह पर फोड़ा निकलना शुरू हो जाता है और फोड़ा निकलने से आप काफी परेशान हो जाएंगे। आंख की रोशनी भी इसमें जा सकता है इस बीमारी के कारण। और ये इसमें चमड़ा का मोटा होना, कहीं पर भी शरीर का चमड़ा मोटा होने लगे, चकता निकलने लगे तो कुष्ठ रोग का पहचान है। आपका MDT जब दवा ले रहे हैं उससे पहले आपका चमड़ा सुन्न था और MDT दवा लेने के बाद भी चमड़ा सुन्न ही रहता है तो आपका बीमारी ठीक कहाँ से हुआ? कई लोग समझ जाते हैं कि ठीक हो गया, लेकिन नहीं, वो आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा आपको विकलांग और दिव्यांग ये बीमारी कर सकता है। तो इस बीमारी में आपको सावधान आपको रहनी चाहिए। ये STD बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। यौन संबंध बनाने से बीमारी नहीं फैलता है, खांसने और छींकने से बीमारी आपको फैलता है। क्या होगा? खांसने और छींकने से बीमारी आपका फैलता है। उस समय रुमाल आपको प्रयोग करनी चाहिए या मास्क का प्रयोग करें। यह बीमारी ज्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, यदि बचपन में आपके माता पिता डेथ कर गए हैं तभी भी आपको ये बीमारी हो सकता है। कुपोषण के कारण बहुत ज्यादा आपको गरीबी में रहे, आपका जीवन गरीबी में बीता, उसकी वजह से भी बीमारी हो सकता है। और बहुत लोगों को काफी शरीर देखते हैं हेल्दी रहता है, उन लोगों को भी बीमारी ये पकड़ लेता है, क्योंकि गलत उपचार के कारण कोई अगर बीमारी हो जाए और उसमें बहुत ज्यादा दिन अंग्रेजी दवा ले ले या दूसरे अन्य चमड़े के बीमारियों के लिए आप अंग्रेजी दवा ज्यादा दिन ले लेंगे तभी भी आपको ये कुष्ठ रोग होने का खतरा रहता है। खाना खाने में बैलेंस डाइट इसमें लेनी चाहिए। इस बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए आपके शरीर को स्ट्रांग बनाना, फौलाद बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। इस शरीर को सुडौल और चुस्त दुरुस्त और जड़ से मिटाने के लिए इसमें आपको भोजन लेनी चाहिए। दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश, हरा सब्जी आप लीजिए, फल फ्रूट लीजिए और विटामिन सी आप जरूर लें, विटामिन सी। और इसमें एक फल आपको संतरे जैसा दिखता है, इसे माल्टा के नाम से आपको मिलता है मार्केट में, ये भी रोज आप 1 से 2 ले सकते हैं। बड़ी शानदार स्वाद में लगता है, अच्छा लगता है और आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलेगा, तो साथ में इसको प्रयोग आप कर सकते हैं। इस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई हानि नजर में नहीं आ रहा है और आपको फायदा जरूर मिलेगा। और इसमें कई तरह का समस्या आपको आएगा। कई लोगों का एक केस हेयर फॉल होने लगता है और कई लोगों का जहां जहां चमड़ा सुन्न है वहां वहां घाव बनने लगता है। बीमारी को यदि ज्यादा दिन छोड़ देंगे, यदि बीमारी को इलाज नहीं कराएं आप सुनबहरी कुष्ठ रोग का, तो आगे चल करके घाव बनाने लगता है। इसमें कोई भी आपको क्रीम मलहम आपको नहीं लगानी चाहिए और इस बीमारी को अनारी डॉक्टर से बिल्कुल ना दिखाएं, ओझा गुरी झाड़ फूक अपने से चिकित्सा बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि यह बहुत ही गंभीर और खतरनाक बीमारी है। लाखों रोगी आज भी इसका मिल जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सी दवा आपको सुटेबल होगा, बता रहे हैं। इस बीमारी में यदि घाव हो जाए तो कोई भी दूसरा मलहम न लगाएं, बल्कि चाल मोगरा का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहां जहां सुन है। 250 रुपये में 50 ml मिलता है,
आपको तुबरा कोयल चालमोगरा का तेल, यदि यह दवा तेल प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो करू तेल मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल आप प्रयोग कर सकते हैं। शुद्ध पेराई करवा लीजिए घर पर, उसके बाद आप प्रयोग करिए तो वो ज्यादा फायदा करेगा। यह बीमारी आपको मानसिक रूप से यानी आपका मेमोरी पावर जो है स्मरण शक्ति बहुत धीरे धीरे कमजोर कर देता है, यानी आपको कोई भी चीज याद नहीं रहता है। तो इसके बारे में भी सोचिए। इसमें एरी का फटना भी संभव रहता है, एरी फटने लगता है। कुष्ठ रोग के कारण आपको घाव भी हो सकता है, घाव इसमें आपको घाव से बचनी चाहिए और ज्यादा इलाज में देरी न करें। तो भयंकर से भयंकर हमने देखा है कुष्ठ रोग को कि ठीक हो जाता है। इसके लिए आपको पूरा डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी, पूरा लक्षण आपको बतानी पड़ती है। यदि बहुत ज्यादा बीमारी आपको आगे बढ़ गया है तो कंट्रोल के लिए हाइड्रोकोटाइल, क्या करने के लिए, कंट्रोल के लिए हाइड्रोकोटाइल एसिटी का 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है। कंट्रोल करना अलग बात है, बीमारी को जड़ से समाप्त करना अलग बात है। बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए झाड़ फूक ओझागुनी अनारी डॉक्टर के पास में बिल्कुल ना जाए। हमारा ये दूसरा पीढ़ी चल रहा है, मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी डॉक्टर थे और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है लोकल फॉर वोकल, हम ही लोग एक दिन बहुत बड़े डॉक्टर हो जाएंगे, नामी ख्याति प्राप्त हो जाएंगे। और उन्हें ट्रेडिशनल परंपरागत यानी बाप दादाओं से जो चिकित्सा चले आ रहा है और उसको हम इम्प्रूव करते हैं, उन लोगों का तो हमने ज्ञान लिया ही, अपने हमने कई कोर्सों को किया तब जा करके कुष्ठ रोग को हम पूरी तरह से ठीक कर पाते हैं। सुखेंद्रा जी को 100% ठीक कर दिया गया है और उनका साउंड रिकॉर्ड करके हमने पिछले वीडियो में हमने डाला हुआ है। तो कुष्ठ रोगी बहुत अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं और जो भयानक दर्द असहनीय दर्द जो होता है वो भी ठीक हो जा रहा है, यौन क्षमता भी ठीक हो जा रहा है, नाइट फॉल की समस्या ठीक हो जा रही है। और जो MDT दवा लेने के कारण पूरा शरीर धीरे धीरे काला जो पड़ रहा है वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। यौन ये जो पूरा शरीर काला हो रहा है MDT कारण या बीमारी कारण वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लोग चखते चखते जो निकलता है वो भी धीरे धीरे प्लेन हो जाएगा और जो कलर बदल रहा है आपका वो भी धीरे धीरे सामान्य तो कलर में मिल जाएगा। यदि हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगे, पतला पड़ने लगे तो इसमें भी आपका उपचार चलेगा तो धीरे धीरे सीधा हो जाएगा, घाव भी धीरे धीरे भर जाता है। कुष्ठ रोगी को एक सबसे ज्यादा तंग करता है भयानक दर्द, बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, सूजन आ जाएगा, इससे लोग परेशान होते हैं। और इसमें घाव भी प्रमुख है, जब शरीर में घाव होना शुरू हो जाएगा तो काफी परेशान हो जाएंगे, चखते निकलना शुरू हो जाता है। तो इसमें कुष्ठ रोग हो भी जाए घबराए नहीं, डरे नहीं और अपना ये स्मार्ट बनने में कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आप लेप्रोसी हो भी गया है तो थोड़ा सा अच्छा से सज धज करके रहें, चश्मा पहने और हाथ को डैमेज कर दिया है तो ग्लव्स दस्ताने का प्रयोग करें, साफ सुथरा रहें, हीन भावना न आने दें, उम्मीद रखें कि आपका बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा। और आपको किस लिए हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं, साहस भरने के लिए। और कई लोगों का ठीक हुआ है तो आपको देख करके अब आपको हौसला बढ़ जानी चाहिए कि आपका बीमारी 100% ठीक हो जाता है। क्या अभी भी आपको लगता है कि बीमारी ठीक नहीं होता है, यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो कमेंट में आप लिखिए कि आपको विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है। यदि विश्वास हो पा रहा है तो अभी भी लिखिए कि आपका बीमारी अब 100% ठीक होता है, इसमें आपको कैसे विश्वास हो जा रहा है। आजकल के बच्चे को सभी तरह के लोगों को भी ये कुष्ठ रोग हो जा रहा है। तो इसमें उंगली में यदि घाव हो जाए
तो ये भी धीरे धीरे हाथ के उंगली में यदि पकड़ ले, घाव को यदि ठीक नहीं किया गया तो हाथ पैर की उंगली को भी डैमेज कर देता है और ड्रॉप भी हो सकते हैं। कई लोगों का तो ऑपरेशन भी लोग कर देते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, हाथ को भी काट देते हैं। तो ऐसे आप इसके फेरे में न पड़े, आप हमसे जानकारी लीजिए और आप पूरी तरह से सुरक्षित रहिए, बीमारी को आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हमारे नंबर को आप नोट कर सकते हैं, संपर्क नंबर आपने व्हाट्सएप करके डिटेल्स भेज सकते हैं। छपरा जिला बिहार से नजदीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं, न तो ऑनलाइन दवा मंगा सकते हैं। ऑनलाइन दवा से यदि आप संतुष्ट नहीं है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर दिखा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए, धीरे धीरे नोट करिए, कलम कॉपी निकालिए। 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070-000-3342 यानी 70-700-3342 पर आप राय ले सकते हैं। इसमें संपूर्ण आपको समाधान मिलेगा। चेहरा काला हो गया तो सब कुछ कालापन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यदि शादी विवाह भी आपका नहीं हो पा रहा है तो कई लड़के लड़कियों का शादी विवाह भी हो चुका है, तो आपका भी यदि शादी विवाह रुका हुआ है लेप्रोसी की वजह से तो चिंता न करें, बीमारी ठीक होने के बाद में आपकी भी शादी होगी। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।